Mais chou! Mais ça! T'es petit! एक आप ही हैं जो हम पर और हमारे कैरेक्टर पर कभी शक नहीं करते। हाँ, हम तो भूल ही गए कि एक हफ्ते से हमारा फोन जो है कहीं गुम हो गया है। कोनो फिकर नहीं, देखो दुलरिया, हम जो है ना वो देवर जी के फोन से कर देंगे हैं। अभी हम चलते हैं, बहुत ही देर हो रहा है। देखिए देवर जी, कहाँ है भाई? मुनिराज सिंह के लिए कुरियर आया। थोड़ा साइन कर दीजिए। पकड़िए जरा। अनुराग जी चाचा, देखो भाई क्या है, तुम्हारे लिए कुरियर आया है, कुछ गिफ्ट विफ्ट। कुरियर क्या है काका? मेरे लिए? अरे कहाँ है भाई? मिस्टर जी, कौन भेजा आपको एक कॉरियर? वो ही मैं सोच रहा हूँ, इस पे कुछ नाम भी नहीं लिखा है और ये तो गिफ्ट रैप है। यहाँ मुझे गिफ्ट कौन भेज सकता है? भैया खोल के देखिए ना कि इस गिफ्ट में क्या है। हेलो, ये तोहफा बहुत खतरनाक है, खोलने वाले की जान भी जा सकती है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? संभाल के। आई ओके? हम ठीक है। वो हमें फोन आया था कि ये तो बस एक खिलौना है, लेकिन बॉम्ब भी हो सकता था। तुम अभी सही सलामत हो। हैव अ नाइस डे। इधर दिखाइए। ये कैसा मजाक है? ये कौन हो सकता है? अरे अरे, वही लोग हो गए, कल गोली चलाया था ना, और आजीब। हमें प्राइवेट नंबर से कॉल आया था कि इस पैकेट में बॉम्ब हो सकता है। इसका मतलब है कि वो जो कोई भी है वो हमें मारना नहीं, हमें डराना चाहता है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? क्या आपको किसी पर शक है? वशिष्ठी, थैंक यू सो मच। ये जानते हुए भी कि उसमें बॉम्ब हो सकता है, तुमने अपनी जान की फिक्र किए बगैर मेरी जान बचाने की कोशिश की। आई मीन थैंक यू सो मच। वैसे तो इंसानियत के नाते ये हमारा फर्ज था, लेकिन आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं।
एक आप ही तो है यहाँ पर जिसे हम पर भरोसा है, तो फिर हम आपकी जान खतरे में कैसे डाल सकते थे? कुछ भी हो, लेकिन हमें सृष्टि जी के ऊपर ऐसे गन नहीं ताननी चाहिए थी। कहीं सबके पीछे ही कानून की देवी का हाथ तो नहीं है? आखिर बम की खबर वाला फोन इसके पास ही काहे आया? इस समय ना ये मिस्टर जी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या गिफ्ट दिया है तुमने, मजा आ गया। बस ऐसे ही विद्वान सिंह की फैमिली को झटके देते रहना। हाँ हाँ हाँ, जो दिल में है तुम वो करो, बस मुझे उन सब के खौफ से भरे चेहरे दिखने चाहिए, ऐसा खौफ इससे मौत भी आसान लगे। और हाँ, कोशिश करना कि तुम नेक्स्ट टाइम वहां वीडियो शूट कर सको। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अभी तो ये खेल बहुत लंबा खेलना है। और वो कहते हैं ना कि मौत से ज्यादा भयानक मौत का खौफ होता है, तो बस विशु की मौत से पहले उन सबको इतना भयानक डर दो कि वो सब लोग सांस लेते हुए भी डरे। इन सबको पता चलना चाहिए कि मेरी सृष्टि को मुझसे अलग करके क्या अंजाम होता है। ठीक है, पहले इस घर में कोई फायर करके जाता है, उसके बाद ये धमकी भरा मैसेज। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कौन हमसे क्या चाहता है। कौन है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। हाँ, चाहता का है एकदम साफ है, डराना चाहता है हम सबको। ताकि जब अपना डिमांड लेके सामने आए ना, तो हम बिना विरोध के उसका डिमांड मान ले। चाचा, आई थिंक आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है। हो ना हो, ये खिलौना में कोनो सुराग छुपा है। कहाँ है? ये बंद करो इसको, है? अब हम बंद करने का कोशिश तो कर रही, नहीं चुप हो रहा था। कहाँ चला के रखी हो भाई, बंद करो। घर में सब गड़बड़ चल रहा है। बस एक बार दुश्मन सामने आ जाए ना, तो भोलेनाथ क्रिया खा के कह रहे साले को सीधा सड़क पहुंचाएंगे हम। नहीं चाचा, ऐसे गुस्से से काम लेने से कुछ नहीं होगा, हमें दिमाग से काम लेना होगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये किसी की गलत फहमी हो, क्योंकि जहां तक मुझे याद है यहां पे पापा या आपका तो कोई दुश्मन है ही नहीं। और रही मेरी बात, तो मुझे आए समय कितना हुआ है। आई थिंक एक बार पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे ना, तो वो उस इंसान को ढूंढने में थोड़ा मदद कर सकते हैं। अरे मिस्टर जी, ये पुलिस के बूते का काम नहीं है। यहाँ पे कब कौन किस बात की दुश्मनी निकालने कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बिहार है, यहाँ पर दोस्त और दुश्मनी उसमें ना सिर्फ धागे का फर्क होता है, बता रहे हैं आपको। सामने के सांप से ना आस्तीन का सांप ज्यादा भयंकर होता है। समझ रहे आप हमारी बात को? तुम अपने जो फालतू के आइडियाज है ना, ये प्लीज अपने पास रखो। ये रागिनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इतने खिलाफ क्यों है? कहीं इन सब के पीछे इसी का हाथ तो नहीं, ताकि ये शेखर को फंसा सके। रागिनी सही कह रही है, यहां दोस्त और दुश्मन में ज्यादा फर्क नहीं होता। और एक और नोटिस करने वाली बात है, ये जो धमकी का फोन आया ये हमारे नंबर पर आया, लेकिन हमें तो यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं,
इसका मतलब ये है, ये जो कोई भी कर रहा है वो हमारे घर के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमें ये इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को बतानी चाहिए। नहीं, तुम्हारा सलाह सूचना अपने पास रखो, हम सब जानते हैं कि हमको क्या करना है, समझी? हाँ सिस्टी सही कह रही है, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि वो हमेशा आपको गलत क्यों लगती है। देखो अनुराग, अपना घर का मामला जो है ना वो हम ही देख लेंगे, इसका सलाह का जरूरत नहीं हमको। बात आपके हमारे घर की नहीं है, कल जो कुछ भी हुआ उससे हमारे ऊपर भी खतरा था। गोली चाहे कहीं पर भी लगी हो लेकिन बंदूक हम पर भी तानी गई थी। हाँ तो माँ प्लीज, आप फिर से मत शुरू हो जाइए। अनुराग जी, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, वी शुड इन्फॉर्म पुलिस फर्स्ट। अरे नहीं, अरे पुलिस को नहीं खबर करनी है, ऐसे तो वो लोग जो है ना वो और सावधान हो जाएंगे। अरे हमें हमारे तरीके से सुलटाने दीजिए नहीं मामला मिस्टर जी। ये बात हम अपने तरीके से खुद सुलटाएंगे, तुम्हें उसमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? सिस्टी, मैं अभी पुलिस में फोन करता और उनको ये बात अपडेट करता। विशु चलो मेरे साथ। अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो हैं? मैं साइट पर जा रहा हूँ। और कहाँ? अरे बेटा घर में इतना बड़ा कांड हो गया है और तुम लोगों को साइट पर जाना है? अरे घर में ही जान का सलामती नहीं है और तुम बाहर जाने का बात कर रहे हो? तो क्या माँ, फिर ये काम वाम कौन करेगा? देखो हम कुछ नहीं जानते, बस तुम दोनों ना घर में ही रहो बस। अरे भौजी, अरे जाने दीजिए ना इन दोनों को। अरे दुश्मन तो डराना चाहता है ना, अगर डर के बैठ गए उसका हौसला बढ़ जाएगा, उसके लिए तो आसान हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, जाने दीजिए। अरे नहीं अनुराग, बिटवा देखो तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन विश्व को हम नहीं जाने देंगे। वैसे भी हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना, वो ना जाएगा। और हाँ तुम भी ध्यान से जाना, ठीक है? जी दादी। दादी हमें ना कुछ भी नहीं होगा, प्लीज हमें जाने दीजिए। विश्व बेटा तुम घर में रहो, तुम कहीं मत जाओ, समझो बात को। देखो विशु, सिर्फ एक दो दिन की बात है, एक बार ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेके चलूंगा, ठीक है? अरे विशु, मैं चलता हूँ। लेकिन देखो हमने शाम को शांति पाठ रखवाया है, जल्दी समय पर आ जाना। जी दादी। बेटा संभाल कर जाना है। जी। अम्मा जी हम और मंदिर चलते हैं, ठीक है जाओ जल्दी आ जाना। हाँ चले दे पर जी। वो हम ना बाबूजी ने एक ठो काम बताए थे, वो करके आते हैं हम अभी। हाँ 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 भूरिया जरूर जाओ, और तुम बाहर जा रही हो तो पूजा का सामग्री लेती आना। हाँ सामान का पर्चा दे देते हैं, आओ हमारे साथ। चलो विशु जी की माँ का फोन खोना, हमारे पास उस फोन से कॉल आना, फिर हमें शेखर के साथ बदनाम करने की कोशिश करना, उसके बाद के ये सारे अटैक होना, हमें पूरा यकीन है कि इन सबके पीछे रागिनी का हाथ है, लेकिन हम बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकते। हमें सबसे पहले रेवती जी के खोए फोन को ढूंढना होगा और वो फोन जरूर रागिनी के रूम में होगा। अरे दीदी जी इसका भोलापन पे मत जाइएगा, ये बचपने से ना बहुत उत्पादी है। सुनने में तो ये भी आया है कि आठवीं कक्षा में ना अपने मास्टर को सबके सामने कुआं में धक्का दे दिया। वो भी पता है आपको क्या बात पे, कि मास्टर इसको डांट दिया था, वो घर से होमवर्क नहीं करके ले आया था। इतना सब बात के लिए कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अब दीदी जी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बात जब प्रिंसिपल को पता चला ना, तो प्रिंसिपल इसको वो बाल सुधार गृह होता है ना वहाँ पे भेज दिया। इसके माँ बाप? अब ऐसा औलाद का माँ बाप क्या करेगा, अरे शर्म से ना वो गाँव छोड़ के चला गया। हमें इसका बाल सुधार कार्य के बारे में पता करना पड़ेगा और वहीं से पता चलेगा कि इसकी आगे का कहानी का है।
हाँ तो बाल सुधार गृह है वो यहाँ के जिला के थाने में जाके पता चल जाएगा ना, वो हम बात किए थे थाने में। अच्छा तो चलो फिर। हाँ तो चलिए, पता लगाते इस शेखर का इतिहास। तुमने अपनी जान की फिक्र किए बगैर मेरी जान बचाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम सृष्टि जी से गुस्सा रहे या ना रहे। ये तो हमें अकेला छोड़ के चली गई थी, लेकिन ये हमारे अनुराग भैया का जान बचाने के लिए अपनी जान का परवाह भी नहीं की। अब क्या करें? लगता है कि आज वकील बाबू ज्यादा व्यस्त हैं कोर्ट में। कोई चलते तक तुमको बिशु बाबू से काम चलाना पड़ रहा है कि नहीं? दुलारी दीदी, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। चुप रहिए आप। कहाँ आई आप यहाँ वापस? आप तो मैं छोड़ के चली गई थी ना। फिर कहाँ? कहाँ आई आप यहाँ? विशु जी, आप ठीक से बात कीजिए। कोई भी अपनी वाइफ से ऐसे नहीं। आप हमारी वाइफ और कभी हो भी नहीं सकती हैं। बहुत बुरी हैं आप, बहुत। लो, लो का तो प्रेम लीला शुरू हो गया। आज से आप ही कमरे में नहीं रहेंगी, हम रहेंगे यहाँ पर। तो हमने कब मना किया? आप खुद ही यहाँ से बाहर गए थे। नहीं, अकेले रहना चाहते हम यहाँ। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए, जाइए, जाइए। नहीं चाहिए आप हमें यहाँ। अकेले रहना चाहते हैं हम, अकेले रहना चाहते हैं, समझिए आप। विशु जी, आप ये क्या कर रहे हैं? विशु बाबू का ही बेशरम औरत को मुंह लगा रहे हैं। ये तो है, ये है सारा मां संकोच बेच के खा गई। आपको तो भगवान की दया से इतना बड़ा कोठी मिला है, अपना तंबू कहीं और उगाड़ लीजिए। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे हम, यही रहेंगे हम। बाकी विशु बाबू नागिन भी तो है ना, वो डस सकती है आपको। हम क्या कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा चीज बना है, चलो खिलाते हैं। चलो ना, छोड़ो कहां तुम भी खड़े। आप लोग, आपका हिम्मत का दाद देना होगा। समझे जी, इतना कुछ होने के बावजूद आप कोर्ट आए हैं। बात तो सही है, कह रहे भौजिया, बड़ा हिम्मत का काम किए हैं पुरुषोत्तम बाबू। आप लोग किसी काम से आए हैं क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी काम था, इसलिए खुद है आए हैं। कहा है समझे जी के हम चाहते हैं आप हमारे बिशु को उसकी बीवी से तलाक दिलवा दें। ये आप क्या कह रही हैं? और इस काम के लिए आप लोग हमारे पास क्यों आए हैं? अरे पुरुषोत्तम बाबू, कैसा बात कर रहे हैं आप? अब शुरू से जितना मुकदमा है हमारा, वो आप ही देखते आ रहे हैं ना, तो बस सीधा चले आए। और आपका फर्ज बनता है कि आप हमारा मदद करें। लेकिन रिजवान जी, ये कैसे? देखिए संत जी, इस शादी कैसे और किस हाल में हुआ है वो हम सब जानते हैं। हमारे बिशु ने ना आपका खानदान का इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दी। अगर वो आपकी बेटी से शादी के लिए मना कर देता तो आपका परिवार जो है ना, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम सब रात को देख चुके हैं कि क्या हुआ है। देखिए रिद्धि जी, आप लोग जो हमसे कह रहे हैं वो हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए समधि जी, आप हमारे वकील होने से पहले है ना हमारे पति के मित्र है, और इस नाते आपका फर्ज बनता है कि हमको ऐसी लड़की के चंगुल से बचा ले जो जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर आतंक मचा रही है।
प्रभु और कोई नहीं, आप ही की बेटी है। ये जो हम आपको सब बता रहे हैं ना, उस समधन जी ने अपनी आंखों से देखा है। आपको तो बताया ही होगा। देखिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारा आपसे एक ही विनती है, हमारे बिसू को ना आपके बेटे के चंगुल से बचा लीजिए। अरे दिन रात रोता चीखता रहता है वो, कितना गलती है उसका, बस इतना है कि हमारा और आपका बात मानकर ये शादी कर ली। और कितना सजा मिलेगा उसको इस बात का। एक बात बताइए सब दीजिए, अगर सृष्टि आपकी बेटी नहीं होती तो क्या आप नहीं चाहते कि बिसु एक ऐसे रिश्ते से आजाद हो जाए जिसमें उसकी पत्नी जो है उससे वफादार नहीं है? बताइए, हम सही कह रहे हैं नहीं, हाँ या ना?